बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन 3 है, इफ़ लॉग 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको हमने हमारे पास सेम इसी वैल्यू के होंगे सारे पार्ट्स, लेकिन क्या होगा, हमारा डेसिमल चेंज होगा। तो उसको हमने किसके इक्वल करना है, इस एक आंसर हमें दिया है, बाकियों के आंसर फाइंड करने हैं। तो अगर ऐसी सूरत हो तो नहायत ही आसान तरीका है, हमने क्या करना है, जस्ट जो हमारे पास जितने भी पार्ट्स गिवन हैं उनके जो डेसिमल है उनको हमने शिफ्ट करना है, 31 के बाद लेके आना है डेसिमल को, ठीक है। फिर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा उस कैरेक्टरिस्टिक को इस 1 के जगह पर हमने लिख देना है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखते हैं कैसे। हमारे पास है 3.109, तो हमने अपने जो डेसिमल को मूव करना है, 1 के बाद आना चाहिए हमारा डेसिमल, तो हमने लिखा 31.09 इंटू 10^10। हमारा जो डेसिमल है वो राइट साइड मूव किया है, तो हमारे पास आ गया -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो -1 है हमने इस 1 के इक्वल लिखना है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, लॉग 3.109 किसके इक्वल हुआ हमारे, इसका जवाब क्या होगा, हमारे पास होगा, अब ये -1 लिखेंगे, ठीक है। हमने लिखा -1, अब जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है उसको लिख देंगे हमारे पास 0.4926, ठीक है। तो लॉग 3.109 हमारे पास किसके इक्वल है, -1.4926। अब इसी तरीके से ये वैल्यू है हमारे पास, इसको भी हम रफ अमल में करते हैं यूज़। यहाँ पे हमारे पास हम डेसिमल को चेंज करेंगे, 31.09 डेसिमल अब हमारे यहाँ पे होगा, इंटू 10^10। हमारे पास डेसिमल कितने स्टेप मूव किया है, 1 स्टेप मूव किया है, एंड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हो तो हमारे पास होता है प्लस का 1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया प्लस का 1, तो हमारे पास लॉग 3.109 जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, 1.4926 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर 3 पे जो वैल्यू है इसका भी हमने डेसिमल को मूव करना है, हमारे पास होना चाहिए 31.09 इंटू 10^10। डेसिमल हमारा राइट साइड पे गया है, कितने बीच में स्टेप हैं, कितने डिजिट हैं इनके बीच में, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 डिजिट हैं, और लेफ्ट टू राइट मूव किया है तो हमारे पास आ जाएगा -4, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आंसर होगा क्या होगा, 1 को हम रिमूव कर देंगे, हमने लिखना है -4.4926, ठीक है। हमारे पास लॉग की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, -4.4926 के इक्वल है। अब इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास होना चाहिए 31.09 इंटू 10^10। हमारा जो डेसिमल है लेफ्ट साइड मूव किया है, बीच में कितने डिजिट है, हमारे पास 2 डिजिट हैं, 1, 2 यहाँ तक आया है, तो हमारे पास बीच में 2 डिजिट है, तो हमने लिख देना है प्लस का 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर में हमने क्या लिखना है, 2.4926, तो हमने जस्ट 1 को रिमूव कर देना है, जो हमारे पास हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2 है, तो हमने इस 2 को लिख देना है, और साथ में जो अपना बाकी वैल्यू होगी इस वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके बाकी के 2 पार्ट भी सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो नंबर 5 पे वैल्यू हमारे पास लॉग 310.942, हमारे पास क्या चाहिए, हमें 31 के बाद डेसिमल चाहिए, तो हमको हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं 31.09। अब 42 क्या हमें यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट 4 डिजिट का हमने लॉग फाइंड करना होता है, और क्या कहते हैं ये, इन दोनों को हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी यही रहेगी, इंटू 10^10। तो हमारे पास जो डेसिमल है 1 स्टेप मूव किया है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू है इक्वल का साइन होता है, तो मीन्स ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, 1.4926 के इक्वल है। अब इसी तरीके से हमारे पास इस पार्ट में कहीं पे भी डेसिमल शो नहीं हो रहा, अगर ऐसी सूरत हो कहीं पे भी डेसिमल ना हो तो इट मीन्स हमारा जो डेसिमल होता है वो लास्ट में होता है,
तो अब हमने डेसिमल को मूव करना है यहाँ तक लेके आना है, तो हमने लिखा 31.09 इनटू 10 डेंस टू पावर, हमारे पास कितने स्टेप मूव किया है, 1, 2, 3, 4 स्टेप, तो हमने लिख दिया प्लस का 4। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 4 होगा इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है किसके इक्वल है, 4.4926 के इक्वल है, जो कि हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें। स्टूडेंट्स, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।